शशि थरूर जिंदाबाद। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नाउ वी हैव मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी के चेयरमैन आदरणीय नदीम जावेद साहब से इल्तिजा करूंगा कि हमारे गेस्ट शशि थरूर जी का स्वागत करें। And now we have Shashi Tharoor ji on stage. He's a extremely talented, dynamic, very articulate. Nadeem Javed Jindabad. Sir को बुलाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सर दो मिनट का समय लूँगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। एनएसवाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। शशि थरूर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। नदीम जावेद जिंदाबाद। नदीम जावेद संघर्ष करो। बेचैनी के साथ और बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। वो किसी का बड़ा मशहूर शेर है कि तुम न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। हम तो ये समझते थे कि सर सिर्फ अंग्रेजी में बड़ी खूबसूरत तकरीर करते हैं, लेकिन जब आप लखनऊ तशरीफ ले गए, जो अदब की जुबान है और अदब के लिए जाना जाता है, तो लखनऊ में जिस तरह से आपने गालिब से लेकर मीर तक उर्दू शायरी के हवाले से गुफ्तगू की और बातचीत की, उससे ये लगा कि अदब की कोई जुबान नहीं होती,
कल्चर की कोई जुबान नहीं होती, वो अपनी एक खास तरह से वो चलता है। तो किसी का बड़ा अच्छा शेर है कि तुम ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, चूंकि इंतजार बड़ा लंबा हो गया था। बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिलें जज्बात अधूरी रहती। मैं इसलिए इस बात को अर्ज कर रहा हूं कि ये कोई भीड़ नहीं है, जितने लोग बैठे हैं इनका सबका दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में, स्टूडेंट मूवमेंट में, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को खड़ा करने में सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका रोल है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट यूनियन का डायरेक्ट इलेक्शन है, और इसकी तासीर बहुत अलग है कि स्टीफेंस और हिंदू, SRCC, रामजस, KMC, जहां की कट ऑफ लिस्ट 95% तक है, दूसरी तरफ श्रद्धानंद भी है, रामलाल भी है, मोतीलाल भी है, आउटर के कॉलेजेस है, कालका जी के कॉलेजेस है, जिनकी तासीर रूरल भी है, सेमी अर्बन भी है, और बिल्कुल अर्बन के कॉलेजेस है। यानी हिंदुस्तान का जो कंपोजिट कल्चर है, हिंदुस्तान की जो तासीर है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाई देती है। इसका जनादेश दिल्ली के छात्रों का जनादेश, देश के छात्रों का जनादेश समझा जाता है, इसलिए NSUI इस पर काम करती है। और हमें गर्व है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे अरसे तक तिरंगा फहराया जाता रहा है, और आज इस लड़ाई को नए सिरे से खड़ा करना है। और हम समझते हैं कि किसी भी लड़ाई को खड़ा करने के लिए विचार की जरूरत होती है, विचार के बाद संगठन की जरूरत होती है, संगठन के बाद कार्यक्रम की जरूरत होती है, और कार्यक्रम को चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। और हम समझते हैं कि आइडियोलॉजी के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर, आज शशि थरूर ने पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर गांधीयन थॉट को और हिंदुस्तान के रियल आइडिया ऑफ इंडिया को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, मैं उस बात के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ। हमारे बहन जो NSUI की प्रभारी है, उन्होंने बहुत क्रिएटिव तरीके से इस बार सीटी बजवाई है, और हमने भी बजा ही दी फाइनली सीटी। हमने कहा कि जो कैंपेन एक नए तरीके से है, बच्चों के और खासतौर से स्टूडेंट्स के बीच में जाकर है, बहुत शानदार कैंपेन चली है। मैं रुचि जी आपको बधाई देता हूँ, एक एक कॉलेज के अंदर आपने NSUI की बात को और NSUI की विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास किया है। नीरज जम्मू से आता है, आज तो कश्मीर, जम्मू, लद्दाख एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी है, और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू के साथी पर ट्रस्ट किया, वहां के साथी को इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई को देने की ताकत का काम किया है। मैं राहुल गांधी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। हमारे बहुत सारे साथी, जरिता आपका खासतौर से मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि सर के साथ लगातार आपने कोऑर्डिनेट किया, और हम लोग नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन सर आए। मैं इस बात के लिए जरिता का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने लगातार सर के संपर्क में रहने के बाद सर को इन्वाइट किया। बहुत सारे साथी, एक एक साथी का नाम लूँगा तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा, सबको मैंने कल फ़ोन किया। ज़्यादातर लोगों ने मेरे साथ काम किया है, जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया है उनको भी मैंने जब फ़ोन किया तो सारे लोग एक कॉल पर आए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव को जितवाने में आप सब लोग बहुत अहम रोल अदा करेंगे। मीडिया के साथियों को भी आज दोपहर में दावत दी गई, बहुत सारे लोग बाहर सर को मिल लिए होंगे, कुछ लोग अभी बातचीत करेंगे। मैं मीडिया के साथियों का मित्रों कहते हुए डर लगता है, इसलिए साथियों कहकर उनको खिताब कर रहा हूँ कि मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक एक साथी संकल्प लेगा, और ये उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में कॉलेज के बाहर खड़ा होकर पर्ची बांटेगा, एक एक साथी को इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर सब तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दें, हाथ उठाकर और जोरदार तालियों से समर्थन का ऐलान कर दें। मैं बगैर किसी भूमिका के मैं सर को फिर एक शेर से ही दावत देता हूं कि अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है, अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। हमारी प्यास का मियार यह है कि खुद बढ़कर समंदर बोलता है। मोहतरम शशि थरूर साहब, जोरदार तालियों के साथ। आज तो मैंने शायरी तो बिल्कुल तैयार नहीं किया है, लेकिन आपने मेरे ख्याल में इतनी कमाल से सब कुछ बता दिया है कि मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। माफ़ कीजिए, मैं कुछ मिनटों के लिए आया हूँ। नवी जी ने खबर पहुँचाया जरिदा के साथ कि आप लोग बैठे हैं यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि शायद 5 मिनट के लिए आ जाओ। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हूँ, हम तो सेंट स्टीवंस कॉलेज का प्रेसिडेंट था उस ज़माने में, और जैसे मैं समझा अभी भी सेंट स्टीवंस कॉलेज में कोई राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते, राजनीतिक पार्टी नहीं होती, इसलिए
NSUI और ABVP, SFI वगैरह एक्टिव नहीं है, सारे मतलब व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर भी सेंट स्टीवेंस कॉलेज ने आपको पता है हमारे पार्टी को कई कई लीडर्स को दे चुके हैं। कपिल सिब्बल जी वहाँ से हैं, मणिशंकर अय्यर साहब वहाँ से हैं, सलमान खुर्शीद जी जो हमारे देश का विदेश मंत्री रहा है वो भी सेंट स्टीवेंस कॉलेज के हैं। तो नॉन पॉलिटिकल यूनियंस भी अच्छे पॉलिटिशियंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी आप मान लीजिए। लेकिन उस वक्त मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति अच्छी तरह देखा, बहुत सालों से ABVP की स्ट्रांग मेजॉरिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और NSUI को इसके लिए एक चैलेंज देना बड़ी ज़रूरी है। हम सब तो विद्यार्थियों के हित में बोलते हैं, इसमें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, कोई इस कैफेटेरिया के बारे में, कोई उस सिलेबस के बारे में, इस लाइब्रेरी के बारे में, ये सब तो बात चलेगी, लेकिन आपका संकल्प क्या है इसमें हम फर्क दिखाना चाहते हैं। कि जो NSUI के विद्यार्थियों हैं, हम कोई भी एक समुदाय के लिए, एक विभाग के लिए बात नहीं करते हैं। हमारे विचार हैं कि इस देश एक है, इसमें कई विभिन्न किस्म के लोग हैं और सबको इस देश में अपने हक के साथ जीना और उनके हित के लिए काम करना है हमारे जिम्मेदारी। तो NSUI के जो उम्मीदवार हैं, मेरे ख्याल में ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की अगर ये नारा उठा के आप लोग काम किए, जो विद्यार्थी हित में है वो सब आप कर दीजिए, करने बड़ी ज़रूरत है। मेरे ख्याल में आपके कैंपेनिंग में प्रिंसिपल पॉइंट्स तो नेचुरली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पॉइंट्स ही होना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड ये है कि हम उनके जैसे नहीं हैं, क्योंकि उनके जो संकल्प है भारत के बारे में, उनके सोच जो है ये ठीक नहीं है, ये भारत को डिवाइड करने वाली सोच है। और हम चाहते हैं कि भारत की एकता बड़ी ज़रूरी है, हम सब चाहते हैं कि जो भी हमारे अंतर में कोई भी फर्क हो, कोई भी अलग अलग राय हो सकते हैं, कोई अलग विश्वास हो सकते हैं, अलग मजहब तो ज़रूर है हमारे देश में, कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट से काम करते रहे। मैं तो दो तीन दिन में मेरा किताब द हिंदू वे निकलना वाला, उसमें राजनीति नहीं है, लेकिन दो तीन साल पहले मैंने वाया में हिंदू निकाला जिसमें मैंने साफ राजनीति बताया कि मेरे मन में हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है, हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या चीज़ होती है, मतलब कैसे वो हिंदुत्व के नेताओं उनके सोच को हमको समझाए हैं और क्यों इन दो सोच में कोई नथिंग इन कॉमन, हिंदुत्व तो हिंदू धर्म नहीं है। और इसलिए कि हिंदू धर्म में जो विवेकानंद साहब ने, स्वामी जी ने कहा था 125 साल पहले, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस, उसने कहा शिकागो में, आई एम प्राउड टू स्पीक टू यू ऑन बिहाफ ऑफ अ फेथ दैट हैज टॉट द वर्ल्ड नॉट ओनली टॉलरेंस बट एक्सेप्टेंस। ये टॉलरेंस जो होती है कि मैं तो बड़ा हूँ, सत्य मेरे पास है, आप तो गलती में, आपके विश्वास सब गलत है, लेकिन मैं आपको बहुत दया से गलती में रहने का इजाज़त देता हूँ, ये है टॉलरेंस। लेकिन विवेकानंद कहा कि उसे वो ठीक नहीं है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि हाँ मेरा विश्वास मेरे ख्याल में सत्य है, आपका विश्वास आपके ख्याल में सत्य है, मैं आपको सत्य को इज्जत देता हूँ, आप मेरे सत्य को इज्जत कीजिए, बस यही सिंपल है। हिंदू धर्म के एसेंस इसमें भी मिल जाता है और हमारे लोकतंत्र के एसेंस भी इसमें मिल जाता है कि भारत में विभिन्न किस्म के लोग, अलग अलग पार्टीज, अलग अलग सोच एक साथ कैसे रहेंगे, उसका जवाब यही है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मैं आपको सम्मान देता हूँ, आपको इज्जत देता हूँ, आप मुझे भी इज्जत दे दीजिए, जो इज्जत आप एक्सपेक्ट करते हैं मुझे भी दे दीजिए, तो हो जाएंगे हम एक साथ, सब कुछ कर सकेंगे, एक साथ रह सकेंगे। तो ये है सबसे बड़ा फर्क। हम कभी नहीं कहते हैं कि एक धर्म के लोग, एक समुदाय के लोग के लिए हम काम करेंगे, हम कभी नहीं दूसरों के खिलाफ उंगली उठाएंगे, हम इतिहास को डिस्टॉर्ट करके आज की लड़ाई 500 पहले साल के इनजस्टिसेस, अन्याय के बीच में के लेके हम आज की लड़ाई नहीं लड़ाएंगे। हम कल के बारे में सोचने वाले एक पार्टी होना चाहिए और हम आज, कल मतलब टुमारो, नॉट यस्टरडे, वी मस्ट थिंक अबाउट टुमारो, एंड टू थिंक अबाउट टुमारो हम इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इतिहास पता नहीं है तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे आपको हमें पता नहीं होगा, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाने की सोच चाहिए
और आगे बढ़ाने के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब एक साथ रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर ये प्रश्न आया, सरिता मुझे पूछ रही थी कि हाउ डू वी मोबिलाइज द स्टूडेंट्स टू सपोर्ट अस, जवाब वेरी सिंपल है। आप स्टूडेंट्स विषय पे अच्छी तरह एक मैनिफेस्टो बनाइए, सारे इश्यूज को आप बताइए, लोगों को जानना चाहिए कि आप उनके लिए क्या करेंगे जब उनका वोट मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ आप ये भी बताइए कि ग्रेट डिफरेंस ये है, अलग मतलब बहुत बहुत बड़ा फर्क है एबीवीपी से हमारे, कि हम कोई भी एक ग्रुप के लिए कभी नहीं बोलेंगे, कि हर विद्यार्थी हमें एक है, हर विद्यार्थी इक्वल है। जो भी आप चाहते हैं आप हमारे पास आइए, हम सबको मदद कर देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का सोच ऐसे ही है, हमारे ऐतिहासिक संकल्प ऐसे हैं कि भारत सबका है, भारत की एकता बड़ी ज़रूरी है, और जो कमज़ोर लोग हैं, कोई भी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस, शायद जेंडर की वजह से कोई औरत हो जिसको पूरा हक नहीं मिल रहा है, कोई माइनॉरिटी हो जिसको पूरा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, जो भी है मार्जिनलाइज सेक्शंस पे हम ध्यान जरूर रखेंगे, उनको एक्स्ट्रा हेल्प तो जरूर मिलना चाहिए हमसे, लेकिन हमारे लिए कोई भी रिलीजियस आइडेंटिटी, कोई भी कास्ट आइडेंटिटी, कोई भी रीजनल आइडेंटिटी बिल्कुल प्रथम नहीं आएगा। हम सब के लिए काम करेंगे। तो इस संकल्प से आगे बढ़े, मुझे बहुत बहुत विश्वास है कि NSUI इस बार, जैसे JNU में हमारे रिजल्ट बेहतर था, हम जीते नहीं, लेकिन JNU में हमारा उम्मीदवार जो था वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में आए और काफ़ी अच्छे वोट पिछले बार से बहुत ज़्यादा मिला। TUSU में इस बार जीत भी हमारी होनी चाहिए। आप लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे जैसे सोच के बहुत जोर ज़्यादा लोग मिलेंगे। अगर आपका प्रचार उन तक पहुँचे तो आपका संदेश मेरे ख्याल में कोई भी रिजेक्ट करने नहीं कर सकेंगे, और ऐसे आप आगे जाएंगे। इसलिए गुड लक, वोट TUSU, जीत के वापस आइए। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। एक मिनट अपनी जगह तशरीफ रखिएगा सब लोग। सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह पे ही बैठ जाए, दो मिनट की बात और है। पुनीत ने NSUI में काम किया, फिर यूथ कांग्रेस में रहे। पुनीत बहुत अच्छे सिंगर हैं और चाहते हैं कि ये एक गाना जो है वो सबको पेश कर दे, और जो आज के माहौल है उसके मद्देनजर एक सॉन्ग पेश करेंगे। पुनीत सर, ये पुनीत आपके लिए पेश कर रहे गाना। कोई गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो घबराएगा वो डर जाके, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरे यार, समझे वो हमें तो क्या जाता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूमके, धरती डोलेगी ये कदम झूमके, निकलेंगे मैदान जिस दिन हम झूमके, धरती डोलेगी ये कदम झूमके, वो हमें तो क्या जाता है। लास्ट का बहुत शुक्रिया सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम समझते हैं कि प्रोग्राम यही खत्म होगा। प्रोग्राम के बाद सबके चाय पीने का इंतजाम है। सबसे रिक्वेस्ट है, जितने सारे साथी आए हैं, जो मेहमान आए हैं, कि प्लीज चाय पी कर जाए। मीडिया के दोस्तों, नॉट मित्रों से, सिर्फ दोस्तों से गुजारिश है कि वो जरूर चाय पी के जाए। हमारी चाय पी लेंगे तो हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और राष्ट्रगान बहुत ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ कि सभी साथियों से गुजारिश है कि अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। प्लीज़, पहले विश्राम और उसके बाद सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल भी तरंगा, शुभ नामे जागे
सब लोग चाय पी कर जाएंगे।